असलम जी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूंग ग्रेट सो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो और आज हमारे पास है जी दी ऑर्डनरी का हाइलोरिक एसिड टू परसेंट प्लस बी फाइव वाला सिरम अच्छा आई नो आई एम रियली लेट टू दिस ट्रेंड लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये टर्म जो है हाइलोनिक एसिड काफ़ी फेमस थी पाकिस्तान में तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा फेम था अभी इसके पास और क्योंकि सभी को इससे क्यूरोसिटी भी हो रही थी कि ये क्या टर्म है हाइलोरिक एसिड क्या होता है इससे स्किन पर क्या होगा क्या बेनिफिट्स हैं क्या साइड इफेक्ट्स हैं सभी को जानना था वे काफ़ी सारे डीएम्स और कॉमेंट्स आए थे

एंड आई गॉट दिस वन फ्राम बिग बास्ट डॉट पी के लास्ट टाइम जो दि ऑर्डनरी का एज है बी एच एस सिरम था वो भी मैंने वहीं से मंगवाया था आप लोग उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो औरिजनल है मैंने इसका बार कोड स्कैन किया है और या बैग पर देख सकते हो लिखा हुआ भी है मेड इन कैनेडा तो मैंने इसको जितने प्रोडक्ट ट्राई किया मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं और बेस्ट चीज़ ये इनकी वेबसाइट पर ना प्राइजिंग बाकी वेबसाइट के मुकाबले में काफ़ी सस्ती होती है तो इनकी वेबसाइट का देखिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड कर दूँगी आप लोग चेक कर लेना बाई करना हो अगर दी ऑर्डनरी का प्रोडक्ट या कोई और से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे आपको ईजिली अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे अच्छा जी कमिंग बैक टू द रिव्यू ये आप देख लो साइड से पैकेजिंग वगैरह मैं दिखा रही हूँ आपको अच्छा ये पैकेजिंग पर डायरेक्शंस और इंग्रेडिएंट्स दोनों गिवन है आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको देखना हो मैं इसकी बॉक्स ओपन करके आपको अंदर से प्रोडक्ट दिखा रही हूँ अच्छा जी सो दिस इज़ द बॉटल अगेन सेम पैकेजिंग होती है इनकी सारी ही बॉटल्स की वही फ्रॉस्ट ग्लास होता है और बाकी कलर पैलेट और बाकी टेक्स्ट वगैरह और लेबल वगैरह सब कुछ सेम ही है अच्छा जी तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना ये टर्म एक्सप्लेन करना चाहूँगी पहले कि हेलोरॉनिक एसिड क्या होता है अच्छा तो इसको ना हाइलोरिक एसिड के अलावा हाइलोरॉन भी कहते हैं एंड इट इज़ लाइक अ क्लियर गुई और स्लिपरी सब्सटेंस है जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है स्पेशली स्किन में और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें अच्छा हाइलोरिक एसिड जो है ये एक ह्यूमिकटेंट है और इट हेल्प्स इन लाइक रिटेनिंग द वाटर टू द टिश्यूज़ टू कीप इट ल्यूब्रिकेटेड एंड मॉइस्ड मतलब स्किन में मॉइस्चर को मेनटेन uh, रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है अच्छा लेकिन इसमें इशू ये होता है कि हाइलोरिक एसिड का लेवल ना एज के साथ साथ ड्रॉप होता रहता है मतलब आपकी एज जैसे ही 25 क्रॉस करेगी या लट से 23 क्रॉस करेगी वो वैसे डिपेंड करता है आपकी बॉडी के वाटर कंटेंट पे लेकिन ये होता है कि इसकी एज के साथ साथ हाइलोनिक एसिड की जो क्वान्टिटी है वो कम होती रहती है तो ये होता है इसलिए आपको एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ता है ये बाकी दूसरा जो बी फाइव लिखा है इसमें वो बेसिकली पेंटोथेनिक है मतलब वो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है और ये बी फाइव आपकी स्किन में ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है तेज़ करता है और आई थिंक आप सबको पता ही होगा ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है तो ये सीनस का मतलब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक तो हेलोरोनिक एसिड आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा हाइड्रेटेड और हेल्दी रखेगा और वहीं पर विटामिन जो बी है वो आपकी स्किन में ब्राइटनेस लेके आएगा डलनेस वगैरह खत्म करेगा अच्छा ये तो हो गई कुछ के टर्म्स की एक्सप्लेनेशन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं हाइलोरोनिक एसिड एक ऐसा सेफेस्ट बल्कि मैं कहूँगी फ्रेंडली एसिड है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है डज मैटर कि आपकी स्किन ऑयली है ड्राई है कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं तो हर कोई यूज़ कर सकता है और अगर एज की बात करें कि किस एज से आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं तो वैसे जितनी मैंने रिसर्च की है और जितनी मुझे नॉलेज है उसमें तो यही लिखा होता है कि आप इसको थर्टीन फोर्टीन एज के बाद भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट सिक्सटीन के बाद ही यूज़ करना हाँ जी तो सिक्सटीन सेवनटीन एज के बाद से यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग एट अच्छा जी अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता रही हूँ फिर मैं आपको मैं यूज़ करने का सही तरीका बताऊँगी क्योंकि हाइलोनिक एसिड का जो यूजेज मैथड है ना वो बहुत मैटर करता है अगर आप वो सही से यूज़ नहीं करोगे तो आपकी माइनर से भी स्किन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो वो मैं आपको बताऊँगी बाद में पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं क्योंकि एट दिस पॉइंट मैं इसको शायद पंद्रह बीस दिन से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं लेकिन वो रिजल्ट क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आपकी स्किन इतनी प्लंप और जूसी हो जाएगी आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा मतलब जो बिल्कुल सही में बाउंसी स्किन होती है ना वैसी स्किन हो जाएगी आपकी सेकेंडली अगर आपने अपनी वो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं और या फिर कोई ख़तरनाक एसिडिक चीज़ होती है वो लगा लगा के अपनी स्किन ख़राब कर ली है अगर आपकी स्किन बहुत पतली हो गई इतनी कि वेंस वगैरह नज़र आ रही हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट यूजिंग अ हाइलोरॉनिक एसिड क्योंकि उससे आपकी स्किन का जो बैरियर होता है ना वो वापस से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा इसका एक ये बहुत मेन बेनिफिट है कि आपकी स्किन को ना ये डीपली पेनिट्रेट करके ना उसको हेल्दी करता, करता है उस पर काम करता है सेकेंड चीज़ आपकी स्किन नेक्स्ट लेवल ग्लो करेगी यार मैंने अभी तक जितने ही प्रोडक्ट आई थिंक यूज़ किया मैं सब में ही बोलती हूँ कि ग्लो आता है क्योंकि ऑब्वियसली आप स्किन पर ऐसा कुछ भी लगाओ तो पहला रिजल्ट आपको ग्लो का ही मिलता है लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू चाहे एच ए बी एच ए हो या चाहे नीएसएनआड हो इसने सबको पीछे छोड़ दिया इतना मजे वाला ग्लो आया है मतलब जो चीक्स होते हैं आपके जो हेड का एरिया है ये जो नोज का एरिया है सब कुछ आला वाला शाइन करने वाला है इसके अलावा इट हेल्प्स इन लॉकिंग इन द मॉइस्चर जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि एच ए जो होता है आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करके आपकी स्किन पे मॉइस्चर को वाटर कंटेंट को स्टोर करके रखता है तो ऐसा ही है आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी अंदर से तो आपकी स्किन ऑब्वियसली बाहर से भी काफी हेल्थी लगेगी अच्छा इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द अपियरेंस ऑफ रिंकल्स एंड फाइन लाइन अगर आप गूगल करते हो ना हाइलोरॉनिक एसिड के बेनिफिट तो आपको फर्स्ट पर यही नजर आएगा कि फेस पे जो रिंकल्स होते हैं जो फाइन लाइन्स होती हैं उसको ये फेड करता है तो अगर आपको अपने लिए नहीं भी लेना तो अपनी मदर्स के लिए बड़ी सिस्टर्स के लिए आप ले सकते हो क्योंकि उसको आई थिंक ट्वेंटी फाइव एज के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट के बाद ही मोस्टली आपकी फाइन लाइन जब होना स्टार्ट होती हैं अच्छा इसके अलावा एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा बेनिफिट था वो ये था कि स्किन ब्राइट होती है और एवंटन हो जाती है वो इसलिए क्योंकि जाहिर में बी फाइव है मैंने आपको बताया वो वो को कोम्प्रूव करता है और वो स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग को इम्प्रूव करता है इसके अलावा इस सीरम से आपका स्किन टेक्सचर काफी इंप्रूव होगा स्मूद हो जाएगी यानी कि स्किन डलनेस वगैरह जो होती है वो गायब हो जाएगी एंड आई टू गॉड ये ना आपकी स्किन को फुल ऑन हेल्दी कर देगा तो आई थिंक सबको यूज़ करना चाहिए ये अच्छा ये सिरम का ना टेक्सचर आप जरा गौर से देख लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होगा स्टिकी होगा और काफ़ी गोई सा होगा क्योंकि इसके अलावा जो बाकी ब्रांड्स हेलोरॉनिक एसिड बना रहे हैं ना उनके सिर मोस्टली वॉटरी होते हैं लेकिन हाइलोनिक एसिड कभी भी वॉटरी नहीं होता है वो बहुत स्टिकी चिपचिपा सा होता है लेकिन एबजॉर्ब स्किन में काफी अच्छे से होता है आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्किन पे आपकी नजर आएगा या ऑयली फील कराएगा ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी बस थोड़ी स्टिकी होती है जब आप इसको लगाते हो फिर जब स्किन में ये एबजॉर्ब हो जाता है फिर ये गायब हो जाता है और इंस्टेंटली ग्लो आता है मतलब वन यूज़ में आपको ग्लो दिख जाएगा अच्छा मैंने इसको जितना भी दिन यूज़ किया है ना मुझे इसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट लगे हैं आई एम टेलिंग यू मुझे दी ऑर्डनरी के ब्रांड से यार हो गया है अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको इसके यूज करने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत मैटर करता है काफ़ी लोग इसको सही यूज़ नहीं करते हैं तभी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है हाइलोरिक एसिड हमेशा हमेशा डैम्प स्किन पर लगाते हैं आप मॉइस्ट स्किन पर लगाते हैं यानी कि अगर आप चाहो तो कोई आप रोज वाटर स्प्रे कर लो टोनर लगा लो लेकिन जब वो हल्का हल्का सा गीला आप चाहो तो पानी भी स्प्रे कर सकते हो इनफैक्ट लेकिन वो हल्की हल्की से आपकी स्किन गीली होनी चाहिए हल्की हल्की सी आपने उसी गीली स्किन पर एक तकरीबन चार ड्रॉप लगाना है और अपने स्किन में आिस्ता आहिस्ता मसाज करना है बहुत आहिस्ता से और या आपकी स्किन में आई थिंक विद इन फोर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स वेटिंग फौरन से आपने मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि ये आपकी स्किन पे जो भी वाटर कंटेंट है उसको एकदम से लॉक कर दे मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं आपने ये डैम्प स्किन पर लगाना है यानी कि हल्की सी गीली स्किन पर और उसको एबजॉर्ब कराते ही फटाफट से मॉइस्चराइजर लगाना है तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है अक्सर लोग ड्राई स्किन पे लगाते हैं तो उनको इचनेस भी होती है और रेडनेस भी हो जाती है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बाकी इसके अलावा सनस्क्रीन इज रियल इंपॉर्टेंट चाहे कैसा भी इंग्रेडिएंट हो सनस्क्रीन तो आपने लगानी ही लगा हाँ जी तो ये था इसका यूज करने का मेथड नाउ अगर मैं अपने रिव्यूज़ शेयर करूँ कि वुड आई रिकमेंड रिकमेंड इट इट और नॉट आई आई वुड क्योंकि थिंक यार ये सबको यूज करना चाहिए एक ना एक बार ना आपको अपने स्किन को इससे जरूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी वैसे तो उसको सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी जो कुछ स्पेसिफिक जो इसके जो कंसर्न टेकल करता है मैं आपको वो बता देती हूँ कि अगर आपकी डैमेज स्किन है पतली स्किन है डल स्किन है ड्राई है रिंकल्स हैं फाइन लाइन हैं या फिर बहुत डिहाइड्रेटेड है या आपकी स्किन पर स्कार्स हैं या एक्जिमा है या फिर वैसे ही अनहेल्दी स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है आप हाइलोरिक एसिड जरूर ऐड करें और मैंने इसके अलावा लॉरियल का भी हाइलोरिक एसिड यूज़ किया है बट स्टिल आई वुड प्रीफर दी ऑर्डिनरी वाला क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा स्टिकी है ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी है तो आई थिंक ये प्योर है क्योंकि जितना स्टिकी होगा उतना प्योर होगा तो यस रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड अ सॉलिड सॉलिड टेन आउट ऑफ टेन है जहाँ से मैंने लिया है बिग बास्ट डॉट पी के उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है बाय द वे आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं महनूर फिफ्टीन फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स और इसके अलावा अगर आप मैं से किसी ने हाइलोर से ट्राई किया हो तो अपने रिव्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में कि आपको कैसा लगा लगाइए एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल आप मुझे वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा कोई क्वेश्चन हो कुछ आपको क्यूरी वगैरह हो कुछ स्किन के रिगार्डिंग मेकअप रिकॉर्ड या हेयर के रिगार्डेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं so yes that was it for today's and a laugh is until my next video apna apna khayal rikhega. bye bye